Geetanjali Institute of Technical Studies. If your college is right, your future is bright. Geetanjali. Teacher and owner of a warm, pleasing personality. He had started off his professional journey in 1990 with export of marble and granite and established an export unit named Pacific Industries Limited. He established Geetanjali Education Society in 2002 to make his second dream come true. By profession, he is a chartered accountant. Geetanjali Institute of Technical Studies, Geetanjali Institute of Pharmacy, and Geetanjali Institute of Management came into being under the aegis of Geetanjali Education Society. He is determined to make affordable world-class medical and healthcare facilities available in the state itself for people with limited resources. It's my honor to call upon J.P. Agarwal sir to address with his valuable words. Please put your hands together for J.P. Agarwal sir. Good morning, everybody. Chief guest and keynote speaker, Shri Vinod Kumar, MD Corporate Channels Private Limited. Dear guests, other guests, Mr. Sony, my friends, and here, he has done an excellent job in his businesses. Then comes Ravi Swami, Shyam Sundar Rathod from Bilwara. You are from, right? I welcome you. Ruchika Goda, Mrs. Ruchika. Narayan Singh Rao sir, I welcome all of you. I first say sorry to all of you that because of me the function is late today. And you have to wait some time for me. My dear friends, engineers, faculty members, last but not least, our principal, Professor Sahib Kapil Agarwal, my son, is chairman, vice chairman of the group. दोस्तों, मैं आप सभी में से हूँ. हो सकता है आप सब लोग उदयपुर रह रहे हैं आजू बाजू. आई एम फ्रॉम गंगापुर. ऐसा कोई मेरा में खास चीज नहीं है. जो जर्नी मैंने की है उसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं है जो मैं आप सबको शेयर करूं कि मैंने बहुत खास कर दिया. जैसा कुंभर साहब ने बताया, यू हैव टू वर्क हार्ड. इन्होंने बहुत ही इंस्पायरेशनल स्पीच दिया आप लोगों को. उनकी बातों को वन बाय वन आप नोट करेंगे, एक के बाद एक उन सब चीजों को जो उन्होंने आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताई. He has struggled a lot. कहां से चल के ही उन्होंने अपनी सर्विस, उस टाइम पे इट वाज अ वेरी 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 गुड सैलरी दैट टाइम व्हेन ही स्टार्टेड 5400 ही लेफ्ट हिज स्टडीज. उन्होंने अपने आप को रिस्क में डाला. उस टाइम पे रिस्क में डाला जिस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था कि ये सक्सेस होंगे कि फेल होंगे. लेकिन इनके माइंड में कोई कोई ऐसी चीज चल रही थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है. अब वो क्या करना है नहीं करना है, उनका एक ड्रीम वो लेके चले. उस ड्रीम के साथ उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है. उन्होंने अपनी फैमिली में, जबकि ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर एट दैट टाइम, ही लेफ्ट हिज जॉब, स्टार्टेड हिज करियर, and he has wonderfully done his job. And you have explained very well, Vinodji. Thanks, you have done a wonderful job. अब आप मेरी लाइफ पे आएंगे. आप सोचेंगे कि ऐसा क्या खास कर लिया, क्यों सक्सेस है. हम उन्हीं सब चीजों में, अभी जैसे इन्होंने हैंड रेस करवाने के लिए कहा आप लोगों से कि कितने एंटरप्रेनर्स बनना चाहते हैं. There were few. I was little disappointed. I thought जितने लोग बैठे उसमें 50% तो हाथ खड़े कर. लेकिन मेरी स्टोरी सुनने के बाद हो सकता आधे तो भी इन्होंने खड़े और कर दिए होंगे उनके स्पीच से. लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड में चाहता हूं उसमें थोड़े नंबर और बढ़े. अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स क्या है. जो अपना काम कर रहा है, जो खुद का काम कर रहा है, सर्विस नहीं कर रहा, जो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, आइदर ही इज डूइंग हिज ओन जॉब विथ मैकेनिकल वे और इनोवेटिव वे.
जो भी आप काम अपने लिए कर रहे हैं उसमें लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप है। आप दूसरी जगह जाके भी काम करेंगे, ऐसा नहीं नहीं करना है आपको। आप सब लोग इस चीज से भी डिसअपॉइंट नहीं हो कि आपने इंटरव्यू के लिए जॉब के लिए आपने अप्लाई किया और आपको जॉब में रिजेक्ट कर दिया। देर आर एवरी चांस टू बी रिजेक्शन, देर इज नो नीड ऑफ एनी फियर एनी डिसअपॉइंटमेंट इन योर लाइफ। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, मैंने खुद ने चार जगह इंटरव्यू दिया था, रिको में दिया था, आरएससी में दिया था, एवरीवेयर आई वाज फेलियर, आई वाज रिजेक्टेड। उस टाइम ऐसा था, मुझे लग रहा था क्या करेंगे, ये क्या चीज है, कैसे चलेगा काम, दाल रोटी शादी कर दी है माँ बाप तो ऐसा, तो उस टाइम ऐसा नहीं होता था, बच्चे अब तो नहीं करते हैं, नहीं मैं थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ा होता हूँ उसके बाद शादी करने की बात होती है, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे आपकी एक सर्टेन एज हो गई है कि अब आपका ये टाइम हो गया भैया, तुम कमा रहा नहीं कमा रहा, चल रहा नहीं चल रहा, शादी तो कर, ये सब के साथ था, ऐसा कोई नहीं था। रवि के साथ अलग है, इसके तो सब इसने काम करके बिजनेस जमाया उसके बाद इसके लिए शादी की, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो आई गॉट मैरिड, इंटरव्यू दिए, रात शाम को घर आके डिस्कस करते क्या करेंगे अब नहीं करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम ये थी कब करना क्या। और उस टाइम पे शादी करने के साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि भी शादी कर दी तो ठीक है, आप यू कैन डिले योर फैमिली प्लानिंग, वो भी नहीं होती थी। तो दैट हैज टू हैपन, वो भी हुआ, बच्चे होना, देन आपको फिर वो चिंता लग रही है आपको बच्चे के लिए, उस टाइम पे दूध का डिब्बा मिल्क पाउडर लेना, ये सब खर्चे। सो आई वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड, बिलीव मी, ये सब चीजें उसी प्रोसेस से हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टोरी में साथ मैंने मेरा करने का आता भी नहीं है और मैं उस स्टोरी को उस तरह से बताना भी नहीं चाहता हूँ कि उसमें सब गुड़ी गुड़ी चीजें लगे, आपको लगे नहीं यार ये तो लाइफ ऐसे ही है, डिफिकल्ट नहीं है, इजीली एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, वैसा भी नहीं है। मेरे ब्रदर ने मुझे कह दिया, मिल भैया तो तेरा सीए करवा दिया है, आधा पर्दा हो गया, तुम अपना काम कर, अब मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बोला, लेकिन चीजें डिफिकल्ट थी लाइफ में हम सबके लिए, जैसे आप लोग हैं आज, आज तो सब लोग ज्यादा बेटर ऑफ है, पेरेंट्स खर्चा करते हैं, पेरेंट्स के पास मनी है, उस टाइम पे ये सिचुएशन नहीं थी, तो सब जवाबदारी तो आई गई अपने आप पे, काम करना था, मन में था चलिए अपना काम करेंगे तो नौकरी वोकरी तो लगेगी नहीं अपनी, उतना सामान भी नहीं है कि नौकरी लग जाए। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप जरूरी नहीं है आपको सर्विस मिले या आपको जॉब मिले आप उसमें सक्सेस हो सकता है कि आप अपना एज ए एंटरप्रेन्योर यू कैन, आपके मन में कोई ना कोई एक दिमाग में कीड़ा चलना चाहिए कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे में कुछ न कुछ है, आप राइट डाउन करो मेरे में क्या क्या सामान है, 1 2 3 4 5 सामान में, मतलब लड़के सही है लेकिन सामान में सामान ही है, वो चीज आनी चाहिए आप लोगों को, इस सिंपल वर्ड नॉलेज, आयाम वाले नॉलेज बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले कहेंगे नहीं सामान भी होना चाहिए आपको। तो ऐप में क्या चीज है, क्या नॉलेज है, क्या क्या आपने आप क्या ड्रीम्स देख रहे हैं, क्या सपना देख रहे हैं अपने आप के लाइफ के लिए, अब तो सोचना पड़ेगा ना। अभी द गर्ल स्टूडेंट वॉज टेलिंग मी फिफ्थ ईयर में द प्लांट ग्रोज एंड गिव्स वॉट एवर फल दे रहा है, ये कर रहे हैं। तो पांचवा साल आपका स्टार्ट हो रहा है अगले साल से, इजंट इट, पांचवे में आ रहे हो अब तो कुछ कुछ देना ही पड़ेगा, पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करेंगे, हो सकता है 2-3 साल आप लोग शादी नहीं करोगे, चलने दोगे कि नहीं यार नहीं कमाएंगे, पहले जैसा सिस्टम नहीं है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, ये आपको तय करना है, काम करना, आइदर यू हैव टू डू सम जॉब और
बी एंटरप्रेनर. और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं एंटरप्रेनरशिप के लिए, क्वालिटी एंटरप्रेनरशिप के लिए. मैं बात प्रिंसिपल साहब ने कहा आज, अब मैंने कहा मेरे सब शादी है एंड इट्स अ क्लोज रिलेटिव्स मैरिज, आई विल नॉट बी एबल टू कम. लेकिन उनका नहीं सर आना तो है ही है. आई वॉज लाइक बैड थ्रोट, मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी, और वैसे भी मैं स्पीच देने के चक्कर में तो मैं दूर ही रहता हूँ. लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन करना आप लोगों से, ये मेरा एक मन में था कि यार ये हर बार बोलता भी रख नहीं, कभी रखो इस पे मैं बात करने के लिए तैयार हूँ. मुझे बोलना कम आए ज्यादा है ये कोई इशू नहीं है, ये इंटरेक्शन से मेरे सब लोग मेरे जैसे ही से भी लोग, कोई अलग कोई भी नहीं है. वो जब सब सोचते हैं इसी तरह सोचते जैसे मैं सोचता हूँ, किसी के अलग सोचने की उसमें चीज है नहीं. तो इसमें ये कोई भाषण भी नहीं है, कोई स्पीच नहीं है, ये एक सिंपल इंटरेक्शन है आप लोगों के साथ में. और वो जब दिल से निकलता है तो वो एक कुछ न कुछ चीज बन के निकलती है. जो हमने आपको लगता है एक्सपीरियंस इतने सालों का फेलियर्स, देयर इज नो वे कोई सक्सेस वन साइडेड. कुंभ साहब ने भी बोला अभी, विनोद जी ने भी, सक्सेस ही सब हो ही नहीं सकती. वन साइडेड सक्सेस इज इम्पॉसिबल. वेदर टाटा ले लो, बिरला ले लीजिए, अंबानी ले लीजिए, जेकमा और अलीबाबा ले लीजिए, नोबडी वाज कंप्लीटली थ्रू एंड थ्रू सक्सेसफुल. सबके लाइफ में पैचेस है, कुछ न कुछ अपन डाउन है, फेलियर्स है, रिजेक्शन है. कंप्लीट कोई भी चीज नहीं है लाइफ में, कोई भी चीज ऐसा नहीं. सक्सेस एक स्टोरी चली जा रही है, आप देख लो जेके अग्रवाल यहाँ पहुंचा तो सब रोजी पिक्चर है, नहीं है. फेलियर्स है, रिजेक्शन है. और मतलब आपको मैं जो आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ, कुछ तो मैं बताऊंगा कैसे फेलियर्स है. कितनी देर का टाइम मेरे लिए? मेरे को तो ज्यादा हो जाएगा, मेरे सब दोस्त लोग, मेरे गेस्ट इन सब. तो आप ये माने कि इस सब जर्नी में लास्ट 35, मैं मेरे दोनों सन को भी बोलता हूँ, मैं आपको फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन क्यों कहते हैं, उसका जिस्ट है आपको कहाँ फेलियर्स है, कैसे अवॉइड करना, जो हमें शुरू में पता नहीं होता था. अगर हमने वो फेलियर्स किए तो वो होते रही है. ये सब बड़े एंटरप्रेनर्स है और ये ध्यान से सुन रहे हैं इधर उधर ध्यान. तो एनीवे मैं आपको पॉइंट वाइज कुछ जो पॉइंट बताना चाहता हूँ. हार्ड वर्क जैसे हम ले लेते, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. मैं उससे स्टार्ट करता हूँ आपको डिस्कशन करना मेरी लाइफ के पॉइंट. जब नौकरी नहीं मिली तो आई स्टार्टेड सब ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल इन लाइक 84-85. उस टाइम पे मेरे ब्रदर देखते रहे एंड ही वॉज ऑल्सो एट द हार्म ऑफ फेल्यूर. इससे टोटल फेल्यूर स्टेज आ रही थी उस टाइम. जब उनको भी लगा कि मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, हमने साथ में ज्वाइन किया. हार्ड वर्क की पराकाष्ठा मैं आपको बता देता हूँ. अभी आई हैड डन सच हार्ड वर्क. मैं गंगापुर रहता था उस टाइम, नहीं तो टेलीफोन चलते थे 84 में भी. टेलीफोन लाइटनिंग कॉल से भी नहीं लगते थे. तो एक टेंडर था, मेरे ब्रदर ने कहा यार जब भी तुम जगदीश चला जाए, जगदीश बोलते थे, जगदीश तुम छत्तीसगढ़ छिंदवाड़ा चले जा, वहाँ कल टेंडर है. बिल्कुल हैप्पीली मैंने कहा चलिए, कुछ काम तो स्टार्ट होता है. तो गंगापुर से मैंने बस ली. ठंड का टाइम अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम होगा. तो मैं 36 घंटे 36 आवर्स में मैं बस में धक्के खाते हुए छिंदवाड़ा पहुंचा. वहां जाके पता क्या कि टेंडर पोस्टपोन हो गया. सर दर्द भारी, फिर अब एक टेबलेट लिया, डिस्प्रिन ली, खाया, फिर वापस चलिए भाई अब धक्के खा के वापस चलते हैं. वापस बस लेके अगेन वो जो 36 आवर्स एंड यू नो पुराने टाइम में बसेस कैसी होती रही है, अगर ग्लासेस टूटे हुए बस के, ठंड पूरा रजाई ओढ़ के ऐसे रोल मोल बैठना और आना, ये बिल्कुल सच ही है. आई केम होम, आई रिलैक्स्ड. मैंने कहा आके ना के चले खाना खाते हैं, फिर दोस्त को बुला लिया, गपशप करने लगा. मैंने कहा चलो यार जाके आगे काम कुछ हुआ नहीं हुआ. थोड़ी देर में मेरे ब्रदर फिर आते हैं,
बोले जगदीश कल एक और टेंडर तो चलाएगा क्या चिंद वाला मैं वापस मेरे को चला जाएगा कहते जाना भाई हमने तो नए नए स्टार्टअप अपना तो स्टार्टअप में काम तो करना पड़ेगा हमने कहा अभी कोई एक्सक्यूज तो है नहीं मैंने सोचा मेरा ब्रदर कभी एक जीप लेके जाया रहे तो ले बोले नहीं बस में तू जल्दी तेरा टिकट करवा दिया भिलवाड़ा से वो बस ऐसा वैसा चलो भैया अपने को ऐसे जाना पड़ेगा खाना खाया और बहुत नर्वस होके फिर मैंने कहा नहीं काम तो करना ही पड़ेगा अगेन द सेम प्रोसेस 36 hours reach there again tender cancel same story वापस घर आए so I took one say 44 hours journey at a stage on the buses वैसी जहाँ काम होना नहीं होना जरूरी नहीं है काम हो जाएगा कल आपका तो life में आप अपने लिए hard work करें या आप job करके दूसरों के लिए करें दोनों केसेस में आपको hard work तो करना ही पड़ेगा life There is no substitute in your life कि भी बिना hard work किए आप कोई success achieve कर लें और ये initial phases है किसी के भी phase में जब आप graduation करके निकलते हैं post graduation करके निकलेंगे तो hard work तो करना ही पड़ेगा आप थोड़ा सा hard work को smart work कर सकते हैं अपन को क्योंकि you have a more facility mobile ये वो उस time नहीं हुए तो hard work ज़्यादा हो गया Now you can convert still hard work तो उसका part रहेगा लेकिन you can do it in a smart way. हमारा phone चलते हैं तो दो बार नहीं जाना पड़ता है उसमें मेरे को एक बहुत बड़ा तीर नहीं मारा लेकिन हमारे पास technology उस time पे थी नहीं तो जाना आना ही पड़ा अगर वो होता तो हम नहीं जाते लेकिन जाना पड़ा उस चक्कर So दोस्तों सबसे पहले आप ये दिमाग में रखेगा अपने को hard work तो करना ही है अभी विनोद जी ने बोला था आपको कि आप जो भी कर रहे हैं तो डू लाइक एंटरप्रेनर आप ये सोचे कि आपको फ्यूचर में एंटरप्रेनर बनना है आप ये सोच के नहीं करेंगे यार चलिए मेरे पे 8 आवर्स की तनख्वाह मिल रही है मैं 8 आवर्स काम कर लिया फिर उसके बाद क्या है मुझे थोड़ी पैसा मिल रहा है उससे ज्यादा डोंट डू लाइक दैट आपको दूसरे की कॉस्ट पे इन्होंने तो मेरा नाम लिया लेकिन आप जहां कहीं पर भी करेंगे काम तो उसकी कॉस्ट पे आपको लर्निंग का सीखने का बहुत बड़ा चांस है उस टाइम आप ये देखते हैं कि यार मुझे मिल रहा है 10,000 और 20,000 रुपीज और मेरे को तो 20,000 की वैल्यू ही देनी है नहीं वो मत करो वो करना आपके लिए खराब होगा क्योंकि आप फिर आपको कंफाइन कर देते हैं कि मुर्गा पहले हुआ कि अंडा पहले हुआ करके वो उसे में रह जाओगे लोग ये कहेंगे काम कैसे करोगे काम को आप ज्यादा करोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा मैनेजमेंट देखेगा अरे काम ही इतना कर रहा है इसको छोड़ो ये इसके लेवल ही इतना है इसको साइड में करो जो और काम करता है वी डू लाइक दैट मेरे यहाँ हाई लेवल पे काम करके इतने लोग एंटरप्रेन्योर्स और इतने लोग अपना काम कर लिए हैं जो मेरे टॉप मैनेजमेंट में जिन लोगों ने ये ध्यान में रखा है कि हमें साथ के साथ रह के काम को सीखना है टाइम पीरियड नहीं है इवन 24 आवर्स ऐसा 24 हम बोलते हैं तो 16-18 आवर्स काम करने के लिए कोई मना नहीं करेगा डू योर जॉब विद पैशन डेडिकेशन हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क वेयर एवर यू डू आप अगर कहीं पर भी अपना काम उस तरीके से कर रहे हैं वेदर यू आर डूइंग योर ऑन जॉब योर फैमिली वर्क और फॉर द जॉब तीनों केसेस में आप इन सब से एस्केप नहीं कर सकते ये आपके माइंड में बना के रखिए इस चीज को देन ओनली इफ यू आर इन द जॉब यू विल गेट बेटर पोजीशंस स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सब जो आपके गेस्ट आए वो सब आईआईटी आईएम से हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से किया हुआ और सब बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से उनको स्टार्टअप भी करते हैं तो उनको अच्छे से इक्विटी भी बाजार से मिलती है ये मिलती है लेकिन इसका मतलब ये कतई ही नहीं है कि आपने आईआईटी आईएम से नहीं किया था आपके पास में वो नॉलेज और सामान नहीं है वो सब चीजें हैं एक आईक्यू होना चाहिए आप एक कोई एक्स फैक्टर होना चाहिए आप अपने आप की लाइफ में से निकाल के देखो यार मैं कहाँ कहाँ ठीक हूं मैं कौन कौन से पॉइंट पे हूं मैं आपको 8-10 पॉइंट बताऊंगा कहाँ आप फिट बैठ रहे हो क्या इनमें से कहीं आपके पास 4 पॉइंट ठीक है 2 पॉइंट ठीक है 1 पॉइंट ठीक है इवेल्युएट योरसेल्फ आप अपने आप को इवेल्युएट करो भाई मैं कहां चल रहा हूं क्या मैं
इस हार्ड वर्क में ठीक हूं, मैंने एक आपको पॉइंट बताया, आप अपने ड्रीम्स को कभी नहीं छोड़े, थिंकिंग को कभी नहीं छोड़े, उसको आप फैसिलिटेडनेस कह दीजिए, विजन कह दीजिए, आप अगर उसको लेके उतारेंगे, यार मैं ये इन इन चीजों में मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ, ये मैं सब चीजें कर सकता हूँ, ये चार पांच चीजें अपने कॉन्फिडेंस से कभी नहीं हटे, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, कैसा आपके पास में लीडरशिप क्वालिटी, ह्यूमन रिलेशंस। मैं आपको ह्यूमन रिलेशंस की एक बात और बता दूं, मेरे लाइफ की है ये भी, 84-85 की बात है, उस टाइम पे मैं और मेरा एक ही एम्प्लॉय था, वन एम्प्लॉय एंड वन ओनर, ओनर कह दीजिए कलीग कह दीजिए, ऐसा मैंने एक एम्प्लॉय रखा, उससे उसको मैंने तीन चार बार पहले तो कहा यार तुम मेरे को ज्वाइन कर ले, तो मेरे से कल देखे हंसने लग गया, आपको मैं ज्वाइन कर लूं, बिलीव मी वो मेरे से कुछ यूं पैसा उतना हम कमाते नहीं, वो ज्यादा कमा रहा था कहीं और था, तो एक बार तो उसने मेरे को टाल दिया, दूसरी बार जब फिर मैंने कहा यार तू ज्वाइन कर ले तेरा क्या जाता तो उसने ज्वाइन कर लिया, थोड़े उसके भी कहीं जिस एम्प्लॉयर के था वो ठीक नहीं चला होगा, तो चला नहीं, उसने क्या इसमें अपनी सर्विस छोड़ के अपना खुद का काम करने लग गया था, लेकिन वहाँ समाओ वो ठीक नहीं चला तो उसने मेरे को ज्वाइन कर लिया था। हम दोनों जने साथ रहते थे जबलपुर में, मेरा ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल का काम था जबलपुर एमपी में, हियर मी, तो जनरली शुरू में पैसा ज़्यादा नहीं होता, हमने कहा एक ही घर ले लेते हैं, घर में ही रहते हैं, तो उसके बाद मेरे भाई साथ में रहने लगे, हम दोनों थे लेडीज में मन उठा, उसको लगे कि मैं मालकिन हूँ, उसको लगे कि मैं क्यों काम करूँ, मेरा तो सर वैसा जो छोटे मोटे होता वो होता रहा, तो दोनों में डिस्प्यूट था, तो बोला नहीं आप अलग अलग रहता, अलग अलग हो गए, घर अलग ले लिया, लेकिन वो इतनी नाराजगी हो गई, वो बोला इसको घर भेज दो, मेरे भाई बोले, मैंने कहा ये सब नहीं हो सकता, ये काम गलत करेगा भेजूंगा, और बाकी मैं इसको तो कभी निकालूंगा नहीं। हम आपस में थोड़ा हमारे भी मन मुटाव हो गया इस चक्कर में, हम बात नहीं करते थे, लेकिन मैं उसको लिख के काम दे देता, तुम आज ये काम करना ही बिलीव मी इसमें 1% भी मिलावट नहीं है, और उसको वो काम करके लाता, एफिशिएंटली काम करता था, उसको मैं दो काम ज्यादा लिखता था, साला लिखे नहीं काम नहीं कर, मैं इसको घर भेजू, मन के बैक ऑफ माइंड में मेरे रहता भी था, लेकिन वो काम इतना एफिशिएंटली करता रहा, मैंने उसको कभी नहीं निकाला, एंड ही वॉज विथ मी टिल 2000, देयर आफ्टर ही स्टार्टेड हिज ओन वर्क, मतलब 85 में हमारी बात हुई, मतलब 15-16 साल तक वो मेरे साथ ज्वाइन किया रहा, एंड ही उसने अपना कैरियर भी अच्छे से आगे बढ़ाया, ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन विथ अस, देयर आफ्टर उसने अपनी फैक्ट्री डाल दी, उस टाइम वो अलग हुआ, अब मैं अपना काम करना चाह रहा हूँ, देन आई सेड ओके हैप्पीली तुम अपना काम करो। सो ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, लोगों को आप ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते हो, आपके अंडर में एम्प्लॉयज है तो आप उनको आप रेस्पेक्ट से ही ट्रीट कर सकते हो, उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो कि आप वो एम्प्लॉय है कुछ भी है, ऐसा कोई भी नहीं, ह्यूमन ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम इक्वल है, कोई अलग नहीं है, and that philosophy we have in our group now, हमारे यहाँ turnover, turnout बिल्कुल नहीं है, या minimum है on the top level, हो सकता है जैसे आप hospital में कहते हो nursing staff comes and goes, लेकिन top level management it's barely, क्योंकि सबको हम as he said ownership right साथ में देते हैं, काम करने की उनको पूरी आजादी, काम उनको नर्चर करना, उनका एक्सपीरियंस भी हमें यूज करना होता है, एक आदमी पूरा काम कभी नहीं कर सकता, मेरा नॉलेज मैं अपने तक ही रखूंगा, तो मेरे पास जो लिमिटेड नॉलेज है, मेरा नॉलेज उतना नहीं हो सकता कि मैं 10 जनों जितना काम कर लूं, तो 10 आइडियाज को मैं अपने साथ लेकर चलता हूं, उन 10 लोगों की या 25 लोगों की या 50 लोगों की टीम है वो जो काम करती, जब उनको लगता है कि हमें पार्ट ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है, तो वो उनकी थिंकिंग प्रोसेस एक एम्प्लॉय से निकल के एंटरप्रेन्योर जैसे होने लगती है, वो उस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है, नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, साहब कहेंगे नहीं लेकिन
ये काम मुझे अपने ढंग से करके देना, ऐसे करके नहीं देना. एंड सो दैट वी गेट द रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उसमें किसी तरह की कोई बात नहीं होती. सो आप ह्यूमन रिसोर्स पे अच्छा काम कर सकते हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा. आप अपने अच्छे रिलेशंस कलीग से, फ्रेंड से, अगर इफ यू आर एम्प्लॉयर देन विद द एम्प्लॉइज, फ्यूचर में जब आप अपना काम कर रहे हैं तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि उनकी फीलिंग का भी ध्यान रखें, उनके साथ में एक बराबरी से काम करेंगे, देन यू विल फाइंड द गुड रिजल्ट्स. मेरी लाइफ में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आप सबको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, मेरे को कोई इंडस्ट्री डालना नहीं आता, मुझे कोई इंडस्ट्री का एबीसीडी पता नहीं था, मतलब ए टू जेड कुछ भी पता नहीं था. अब मैं आपको स्टोरी सुना देता हूं कि जब 89 तक हमारा ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल का काम जो दैट वी वर डूइंग सक्सेसफुली, ओके, हमने वी हैव कम अप विद सर्टेन लेवल एंड हमने बहुत अच्छे से उसमें काम किया. जो बीच बीच में मैंने कहा ना आपको फेलियोरिटीज थी, वो थोड़ी फेलियोरिटीज अब और मैं बता दूंगा आपको. लेकिन जब हमें कुछ नॉलेज नहीं था, लोग क्या करते हैं, सुनते नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैं भी सर्च कर रहा था कि यार अब क्या काम करेंगे, ये तो बंद हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर सब हाथ से निकल रहे थे, गवर्नमेंट वॉज नॉट सपोर्टिंग, फंड्स नहीं थे उनके पास. तो 89 में मैं एक मैरिज में अजमेर गया. अब मेरे रिश्तेदार हुई थी तो वी वर टुगेदर फोर फाइव फैमिलीज, और उसमें एक बंदा था जो एक इंडस्ट्री चला रहा था, ग्रेनाइट इंडस्ट्री. तो बोले यार, हम सब लोगों को बोल रहा था मेरे को, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ. तो हमारे सब रिलेटिव्स सब लोग हंसने लगे, ये पागल बना रहा है, इसके पास पैसा दिखता था नहीं, ये कह रहा मैंने 200 रुपए कमा, 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ. अरे यार सब लोग, लेकिन मैंने उनको उसको लाइटली नहीं लिया. मैंने कहा यार ये कह रहा है सम दादा तो बहुत अच्छे से कह रहा है, बहुत सही कह रहा होगा, इसकी बात में कोई ना कोई दम है. मेरे सभी रिलेटिव्स ने उसको डिस्कार्ड कर दिया यार छोड़ो. फिर मैंने कहा यार ये सबको तो निपटने दो, अपन इसको अलग ले जाके बात करें. गट फीलिंग, आप ये चीज को मान लो कि भी कुछ ना कुछ तो आपको अडोप्टेबिलिटी या माइंड को ओपन रखोगे तो सीखोगे. आप कोई बात को सुनना ही नहीं चाहोगे कि यार ये तो पागल है कुछ भी बोल रहा होगा, तो उससे कोई होना जाना नहीं. फिर मैंने उनको लगे क्या कैसे कैसे क्या क्या करते हो ग्रेनाइट में, कैसे इंडस्ट्री में क्या चक्कर है. क्या जगदीश तुम्हारे साथ चाल और आप माउंट आबू रोड चल के फैक्ट्री दिखा के लाता हूँ, ये लोग तो कोई सुन नहीं रहे, मैं कमा रहा हूँ. लेकिन कमा के क्या, शुरू शुरू में पैसा क्या बाहर दिखता है क्या, मैं भी जान रहा था बाहर नहीं दिखता, वहीं इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में होता जाएगा क्योंकि इट्स ए स्टार्टिंग इंडस्ट्री. आप उसमें पैसा आपका रॉ मटेरियल में लगेगा, बैंकिंग को पे करके आपके पास लगेगा, यू वॉन्ट टू एक्सपांड, तो यू वो बाहर पैसा दिखने से पहले तो वो बहुत ज्यादा बड़ा सक्सेस होगा जब दिखेगा. ये बात दूसरों के किसी के मन में नहीं है, और मैंने इस बात को अच्छे से उसके पकड़ लिया. उसने भी कमेंट किया चलो अपन आज ही चल देते, शादी वादी तो चल रही हो जाएगी, कौन सा इसमें तूफान आ रहा है. तो हम बोले चल, तो मैं गाड़ी अपने पास थी नहीं, उन्हीं की गाड़ी से निकल दिए. वहां प्लांट देखा, बिलीव मी महीने में 3 ब्लॉक कटते हैं, कोई काम नहीं, सोते सोते काम था वो. 3-4 ब्लॉक काटना ग्रेनाइट, वैसे ही 7 दिन लगता है कटिंग में, तो 7 डेज ही टेक्स. बोला क्या करना है, इतने में आता है, एडवांस बुकिंग रहती है मेरे पास, तो मैं एडवांस लेके रखता हूँ, जो एक कटा आया वो लेके जाता. कैलकुलेशन दिखा दिया, यार ऐसे ऐसे हो रहा. अरे मैंने कहा यार तो तेजा काम कर रहा है, पता ही नहीं छुपो रिश्ते में. मैं मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में देखा प्लांट को 89 में. आप सुनना ध्यान से, वहां देखते से मेरा माइंड, अब तो कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर से ज्यादा तेज स्पीड से चलने लगा.
मैंने कहा करें क्या आप इसका, जल्दी कैसे करें, क्योंकि इंपोर्टेड मशीनरी इटालियन हर चीज, हमको लग रहा है कल का कल एक दिन भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। हमने इमीडिएटली, मैंने ब्रदर से कहा भाई ये ऐसा प्लांटर तुमको लगा देना चाहिए, तो तुरंत चलो अपने तो आगे बढ़ो। मैं मई में हमारी एग्जीबिशन होती इटली में, मैंने उसी टाइम पे वीजा के लिए पता क्या बोल, वीजा आसान नहीं, इतने जल्दी मिलेगा नहीं, अप्रैल हो गया, 15 मई को एग्जीबिशन है, कैसे जाओगे क्या करोगे। उनका एक ग्रुप जाता है ऐसे जो एग्जीबिशन और पूरा घुमा के लेके जाएगा आपको पेरिस वेरिस ये करके रखे। तो मैंने उस ग्रुप वाले से कॉन्टेक्ट किया, उसने कहा भैया आप लेट हो गए, सीता ट्रेवल्स थे हो, तो मैंने कहा थोड़ा ज्यादा ले लो, मेरा काम तो तुम कर दो। मैंने 10 दिन में वीजा करवा दिया, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, उसको पेमेंट कर दिया, एंड आई वेंट टू इटली। एग्जीबिशन पूरा देखा, वहां पर जाके एग्जीबिशन देख के, लेकिन कोई मुझे कोटेशन देने को तैयार नहीं। मैंने कहा मुझे तो 4 गैंगस्टर लगाने हैं, अपने सोच लिया 2-2.5 लाख एक से कमाना, 4 कर लेंगे 10 लाख हो जाएगा अपने महीने का, बहुत दुकान चल जाएगा। वहां सब लोगों ने क्या कहा कि यार तुम नॉर्थ इंडियन साउथ में इतने बड़ा बड़े प्रोजेक्ट्स, इतना बड़ा मटेरियल है, वहां लोगों ने आज दिन तक इतना बड़ा प्लान नहीं लगाया, तुम 4 से 5 गैंगस्टर की बातें करते हो, गैंग्स ऊपर गैंगस्टर यू नो उदयपुर के सब मार्बल और ग्रेनाइट गैंगस्टर, 5-5 बसें लगाना चाह रहे हो, 10 करोड़ का प्लांट लगाना चाह रहे हो, कोई भी तैयार नहीं कोटेशन के, तुम पेफो बना रहे, इतने बड़े बड़े लोग जो वीरामनी एक्स वाई जेड बड़े बड़े लोग साउथ से, इतने बड़े बड़े नाम थे, उन सबके पास 1-2 गैंगस्टर से ज्यादा नहीं थे, वो कोई सोचते ही नहीं था कि 5 गैंगस्टर लगा दें 10 गैंगस्टर लगा दें, ये कर लें। मैं आप ये समझो कि मैंने 2-4 जनों से घूम घुमा के बातें करके मैंने लोगों को परस्यू किया, कोटेशन दिलाओ कम से कम, लेंगे नहीं लेंगे बात के। एक कोई मेरे को जानता था, नहीं नहीं यार ये सीरियस है, इनको कोटेशन तो दे देते हैं अपन, तो एक इंडियन उनका एजेंट था, तो उसने मुझे कोटेशन तो दिला ही दिया। अब ये भी बात आप उस टाइम भी देखिए 89, मैंने वो ग्रुप बीच में छोड़ दिया, घूमने वूमने कहीं नहीं गया, इटली एग्जीबिशन ही रहा, वो अलग नहीं मुझे इतना चार्जेस और लगेगा, तुम ले जाओ पासपोर्ट, मुझे मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, आप इनको बाकी लोगों को घुमाओ, पेरिस घुमाओ, स्विट्जरलैंड घुमाओ, एक्स वाई जेड, हमें तो ये एग्जीबिशन में रुकना है। मैं एग्जीबिशन में रुक गया, घूमने के लिए मैं कहीं भी जा सकता था, मैं गया नहीं कहीं पर, वो एम ही नहीं था, पर जबकि मैं फर्स्ट टाइम ही गया था, ऐसा भी नहीं कोई 5-7 बार पहले चला गया तो घूमना होगा। सो यू शुड बी एडॉप्टेबिलिटी होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, स्टे फोकस्ड इन योर लाइफ, हमें करना है उस डायरेक्शन हम जा रहे नहीं जा रहे। कोटेशन लिया, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से फोन फिर बहुत कम लगते थे, लाइटनिंग कहा लगा, मैंने ब्रदर से कहा यार अगर ये मेरे को ये जमा ऐसा ऐसा कर लेते हैं, बोला भैया तुम जयपुर में रुक जा, जयपुर में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलो वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा और फिर उदयपुर आ जाएगा। मैंने कहा यार भाई को कहकर और खराब हुआ, घर जाने की चिंता जल्दी हो रही है उधर, उन्होंने कहा जयपुर रुक जाओ। फिर जयपुर मैंने थोड़ी सी होशियारी कर ली, मैंने अपने सीए को कहा तू ट्रेन पे आ जाए यार, तुम ऐसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए ये पेपर ले ला, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देना, मैं 2 दिन उदयपुर के फिर आता हूँ। उनको पेपर दिए, अगेन हमारा सीए भी बोला तुम क्या बातें कर रहे हो यार, इतना पैसा कोई मिलता है क्या, तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट की बातें कर रहे हो, किसी ने लगाया, यू वांट टू पुट अप सच अ बिग प्लांट। मैंने कहा यार तुम प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिए, प्रोजेक्ट बनाओ तो सही, तुम्हारी कॉस्ट ले लेना, इसमें तुम फालतू की नौटंकी क्यों कर रहे हो। चल रहा मतलब बिलीव मी, इन सबको परस्यू करने के लिए भी मुझे टाइम ये लगाना पड़ा है, कंसल्टेंट जिसको मैं पैसा देता हूँ लेकिन उसको समझाना भी मुझे पड़ रहा था कि यार तुम ऐसा कर लो, होगा जो दिखी जाएगी बाद में देखेंगे तुम कुछ कर रहे हो। उदयपुर आए, अब हमारा तो ये था से जून में, एंड ऑफ जून में पहुंचा, हमने कहा ये जुलाई की मीटिंग में मेरा प्रोजेक्ट पास होना चाहिए, तो बोला अभी ये तो रिको में तो जाएगा नहीं, क्योंकि इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ 12 करोड़, यू हैव टू गो टू आईएफसीआई आईडीबीआई वेयर एवर यू नीड,
बोला इसके लिए मैं कंसल्टेंट दूसरा सजेस्ट कर देता हूँ। तो दिल्ली का कंसल्टेंट लिया, उसको बुलाया भाई ये कर दो। वो तो बोल रहा था इतना बड़ा कैसे चलेगा, और वो दिल्ली वाला है जेपी जी, बस इतना ही, थोड़ा और बड़ा देता हूँ। अरे यार क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा ये देंगे कैसे अपने को इतना पैसा, अपने पास कहाँ पैसा। ले उसने जो मैंने 10 करोड़ बनाया उसने 12 करोड़ किया, उसको तुम थोड़ा आगे बढ़ाओ, इसको थोड़ा और ज्यादा सोचो, दिमाग कम मत लगाओ उसमें। तो यहाँ पर मुझे इंडस्ट्री लगाना कुछ नहीं आता था, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, लेकिन उसने 12 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया। हमने कहा यार वो आईएफसी हमें देगी क्यों, तो जानते क्या कर, आप तो ऐसा करो उदयपुर आ जाना, मैं आपकी चेयरमैन से मीटिंग फिक्सअप कर देता हूँ, दिल्ली आ जाना, 5 स्टार होटल में रुक जाना, एक एक सूट हो तो ठीक, नहीं तो अपने वहां जाके सूट खरीद लेना, टाई वाई खरीद के सूट खरीद के मीटिंग में चल देंगे अपन। तो मैं दिल्ली में जाके 5 स्टार अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन 5 स्टार अफोर्ड करी, 5 स्टार में रुके, तैयार होके टाई वाई लगाई, कोट कोट पहना, चल दिए आईएफसी गए, लिफ्ट में चेयरमैन भी उसी लिफ्ट में बातें कर, हमने कहा चेयरमैन वो कह रहे चुप चुप रो, कंसल्टेंट बोला कि अभी बोलना ना, सब लोग रूम में गए, चेयरमैन ने बुलाया, डन आपका तो यू डिजर्व द मोस्ट। मैंने कहा मैं मजाक कर रहा क्या कर रहा था। तो बिलीव मी हमें बाहर निकल के भी इंतजार नहीं हो, इसने कहा, हमने कहा यार ये हमारे साथ मजाक कर रहा है क्या कर रहा, जैन साहब हमारे कंसल्टेंट जैन साहब थे। तो बोला नहीं नहीं बॉस, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था और आपने बहुत अच्छा बोल दिया, ये आप ऐसे प्रमोटर्स हैं कहाँ। मैंने कहा ये भी मैंने अपना तो, लेकिन बिलीव मी फर्स्ट गो में ऑन 26th of July वी गॉट द अप्रूवल फ्रॉम I have saved for 12 crores of the project. We took only 3 months, April, May, to identify the project, conceive the project, just to see the project in Italy, come back, apply, and got the sanction in three and a half months. ये आपके अंदर से आना चाहिए कुछ न कुछ, आपको लगना चाहिए कि यू कैन डू समथिंग। आपके लाइफ में हर एक आदमी की लाइफ में आ सकते हैं, इसी लोन करा दिया तो ज्यादा हो गया, बहुत देर हो गई ना, ज्यादा हो गया ना। अच्छा अरविंद थोड़ा पानी दे दूंगा। यहाँ सब स्टाफ ये समझते हैं कि चेयरमैन साहब आते नहीं, आते नहीं है, या तो इनको स्पीच देना आता नहीं इसलिए आते नहीं बार बार। मैंने कहा आज ये भी गलत होने दूर कर देते हैं, बोल जाना। सो एडॉप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आप लोगों को लर्निंग करते रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लोगों से बात करें, जैसे हम आज बात करें आपस में, उसमें भी बहुत सी चीजें आपके पेनिट होना चाहिए कि कुछ न कुछ चीजें हो सकता है 80% यू नो, 90% नो, मे बी 10%। ऐसी इतनी देर से बातें करते कोई करते, चार जनों की बातें सुनते सुनते दो चार चीजें आपको ऐसी लगेगी कि ये मेरे काम की चीजें हैं जो मुझे भी पता नहीं थी, और ये फॉर द लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस चलता रहेगा टिल यू डाई। मतलब कभी भी मैं आज भी नहीं छोड़ता हूं, आज भी बिलीव मी मैं कभी भी लर्निंग को कभी भी नहीं छोड़ता हूँ, मेरे आँख कान सब खुले रहते, मेरे पता बहुत जगह ऐसा होता, मैं सक्सेसफुली काम करते करते भी 8 साल बाद कोई मिला, एक प्रेसिडेंट मिल गया किसी बड़ी इंडस्ट्री, उन्होंने मुझसे बातें की 2 घंटे तक, और मैंने उनको बहुत ध्यान से सुना। मेरे दोस्त के इनलॉजी थे वो, तो 2 घंटे बाद मेरा दोस्त मुझे बोले यार जेपी तेरे को सब चीजें पता है, तुम 2 घंटे तक कैसे चल रहा है इनको।
और मैंने कहा दादा ये दो घंटे में ये सब तो मुझे पता था यस यस, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट जो 25वें नंबर पर उन्होंने बोला है लेबर के बारे में ऐसे हैंडल करो वैसे हैंडल करो मुझे नहीं पता था। अगर मैं उनको 20 बार कह देता हूँ उनको अरे यार ये तो मुझे पता मुझे पता मुझे पता, तो वो कहता दादा इसको तो सब पता अपन का दिमाग खराब है। तो ही वुड नॉट हैव गिवन द स्पीच फॉर और डिस्कशन फॉर 2 आवर्स। कब कौन सा पॉइंट निकल के आता है यू नेवर नो। आपको थोड़ी सुनने की होना चाहिए। जो जैन साहब हमारे कंसल्टेंट थे ना वो मेरे साथ अगर 10 आवर्स है तो 10 आवर्स में से 9 आवर 50 मिनट्स वो बोलते थे और 10 मिनट्स में हाँ हूं करता हूं बढ़िया बढ़िया। लेकिन उससे मैंने सक्सेसफुली इंडस्ट्री को एक जिस लेवल पे 12 करोड़ रुपीज उस टाइम लिए उसके स्टेटस की इंडस्ट्री को मैंने खड़ा किया। मैं और भी तरीके से कर सकता था। उन्होंने मुझे विजन दिया कि भैया ऐसे ऐसे करोगे तो ये इंडस्ट्री का शेप भी ऐसा आएगा, चीजें भी अच्छी दिखेगी एंड यू विल बी इन इफ यू वांट टू गो इन द पब्लिक इशू एंड ऑल दैट इट शुड इट विल गिव ए ग्रैंड्योर लुक टू योर इंडस्ट्री। इन छोटी छोटी चीजों को सीखे हमने उनके साथ बातें करके प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्रोजेक्ट को जबकि कुछ भी नहीं आता था। आज तो ये सब लोग बहुत एक्सपर्ट्स बड़ी बड़ी जगह से आते हैं तो इनको नॉलेज भी होता है वो भी होता है, लेकिन हमें कुछ नॉलेज नहीं होते हुए भी हमने बहुत सक्सेसफुली इस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया। ये तो हो गया एक सक्सेस वाला। फेलियर्स बहुत है लाइफ में, फेलियर्स को हैंडल करना भी आना बहुत जरूरी। फेलियर्स हैंडल नहीं करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब होते हुए हमने पब्लिक इश्यू भी किया, वी वर सक्सेसफुल फॉर 34 टाइम्स, फॉर 50 टाइम्स, राइट इश्यू वर अगेन वी वर वेरी सक्सेसफुल। उस सक्सेस में फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स गलतियां करते हैं, फिर यार इतना पैसा आ गया कहाँ हैंडल करें, हैंडल भी नहीं होता था उस टाइम तो, और चीजें उस टाइम पे आपके डिसीजन फिर गलत होने लगते हैं। आप सभी को तो ध्यान में नहीं हुआ तो देन वी टुक ओवर श्रुति सिंथेटिक्स लिमिटेड। आप कुछ लोग जानते होंगे यह एक टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी श्रुति के नाम पे, ये बड़गांव से आगे लोहरा पड़ता अपना क्या आप लोगों को पता किसी को चिकलवास वाला। हाँ नहीं आप लोगों को पता होगा, आप हमारे एज के लोग, बाकी बच्चों को नहीं पता होगा ना। तो वी टुक ओवर वो फैक्ट्री क्योंकि पैसा आ गया। अब उस पैसे का कहीं कहीं या तो थोड़े होशियार होता तो ठीक से इस्तेमाल हो जाता है, थोड़े गड़बड़ थे। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर्स जो गलतियां करते हैं वो गलती हमने भी की। 20 करोड़ रुपए 22 करोड़ में भी 22 करोड़ रुपीज में हमने उसको टेक ओवर कर लिया। हमारे में वो कैपेसिटी नहीं थी क्योंकि इट वॉज ए लेबर इंटेंसिव यूनिट, करीब 2000 के करीब उसमें एम्प्लॉयज थे। लेबर खास करके लेबर हैंडल करना वॉज डिफिकल्ट, तो उस यूनिट को हम सक्सेसफुली चला नहीं पाए। लेबर प्रॉब्लम्स देर, हमने उसका असेसमेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि हमें ये था यार सेठ बनने की आदत थी, मिल मालिक, वो मिल मालिक बनने के चक्कर में हम दुखी हो गए। वी वर फेल्योर इन दैट इंडस्ट्री। इट वॉज अ बिग डिजास्टर इन अवर जर्नी ऑफ लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ में एक बड़ा झटका लग गया हमने बिना सोचे समझे। इसका मैं आपको लास्ट में जिक्र दूंगा कि क्या क्या गलतियां की, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे इन सब चीजों से ओवरकम करने का 30 साल बाद। अब जब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर्स हैंड ओवर करता है नेक्स्ट जनरेशन को तो वो ये बताता भी ये तो फेलियर्स रही हुई, ये फेलियर्स के रीजन्स ये रहे हुए हैं और इनको आगे से इस तरह की गलतियां नहीं करो तो आपको ये ठीक रहेगा। देन ओनली द सेकेंड जनरेशन कम इन टू पिक्चर और यू योर सेल्फ बिकम द सेकेंड जनरेशन विद द नॉलेज, द काइंड ऑफ नॉलेज यू गेट फ्रॉम योर सेल्फ। आप अपने आप को मन से तैयार कर लो भाई हाँ यार मैंने यहाँ तक तो ठीक किया, ये गड़बड़ किया, एक्सेप्ट योर फेलियर्स। आप दूसरे पर डालोगे ना तो आपको लगेगा मैंने तो सब चीजें ठीक करी है लेकिन मेरे साथ पार्टनर है या ब्रदर है उसने गलत किया है।
Don't give excuse to yourself. जहाँ गलती तुमने खुद ने करी है वो खुद मानने सीखो, दूसरों के सामने नहीं। तो when you talk to yourself, अपने आप से बात करते हुए तो अपनी गलती को मान ही लो कि भाई आज भी मैं इस चीज को मानता हूं कि मैं जब गलती करता हूं मैं अपने आप मान लेता हूं कि यार ये गलती तो हमारी बॉस, मैं इसको टांग दे अपने एम्प्लॉइज पे नहीं टांग देता हूं या अपने वो कोई पर्पज नहीं। लोग हमेशा ये करते रहे हैं और फिर वो रिपीटेडली वही मिस्टेक करते हैं क्योंकि आपने तो करी नहीं वो गलती, आप खुद गलती कर नहीं रहे हो। आपने मान लिया अपने मन से कि यार मैंने थोड़ी करी है, तो मेरे पार्टनर ने करी, ब्रदर ने करी, एम्प्लॉय ने करी, आप अपने ऊपर तो लोगे नहीं। जब नहीं लोगे अपनी गलती को तो फिर आप वापस कोई गलती करने वाले हो, वो छोड़ोगे नहीं, दूसरी तरीके से करोगे या तीसरी तरीके से करोगे। मैं नॉट बी इन सेम फैशन, थोड़ा डाइल्यूट करके दूसरी तरीके से, तीसरी तरीके से, चौथी तरीके से करोगे, लेकिन आप करने वाले हो गलती। तो एक्सेप्ट योर फेलियर, एक्सेप्ट दैट यू हैव डन। अगर तुमने की है तो तुमको मान लेना चाहिए, और अगर तुमने नहीं की, तुम्हारे पार्टनर ने की, ब्रदर ने की, तो भी मान लो कि उन्होंने ये गलती की, तो मुझे आगे से ऐसी गलती नहीं करनी। ये जिस सर्कमस्टेंसेस में हमने गलती की वो आपको वापस चीजों को ठीक करने में मदद करेगा। हमने गलती की, एक नहीं करी, चार गलतियां करी, चार बार फेलियर हुए, ये एक तो 20 करोड़ का बड़ा सेटबैक उस टाइम पे, 20-25 करोड़ वी लॉस्ट। और उस पीरियड में, प्रोसेस में हमने और भी, क्योंकि आपने एक बार टेक ओवर करते तो लॉसेस बढ़ते हैं, दैट लॉसेस गोज ऑन। अब क्या हुआ, उसको कैसे बंद करें? एक बार आपने टेक्सटाइल मिल ऑफ 2000 वर्कर्स को कैसे निकालो, कैसे करो? आपको गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती, ये नहीं करती, क्या बंद भी कैसे कर दो? मेरा एक मेंटर है, मेंटर तो मैंने बाद में बनाया जब उन्होंने मुझे कुछ राय दी उस तरह से, तो मैं उनसे मिलने गया, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे कुछ ज्ञान उधार दे दो। तो वो मुझे क्या बोलते हैं, जेपी व्हाई डोंट यू क्लोज दिस मिल? अरे मैंने कहा यार तुमको उधार नहीं देना मत दो ना, ऐसा क्या हो गया, तुम मेरा मिल के मन करा रहे हो। मेरा चेहरा देख और समझ गए कहीं ये लड़नी पड़ेगी मेरे से, उल्टा सुल्टा नहीं बोलते चाय पिया। तो मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ये मैं सबसे लास्ट में बोलने वाला था, लेकिन इसको इस श्रुति सिंथेटिक्स का टॉपिक खत्म करना, तो इससे ज्यादा अच्छे से कुछ नहीं हो सकता। बोले तुम कहां स्टैंड करते हो बिजनेस में, कास्ट इस मिल, ये मिल कहां स्टैंड करती है विज-अ-विज अदर मिल्स ऑफ यार्न, अदर मिल्स लाइक संगम, श्री, एक्स वाई जेड, ही हैज टेकन द नेम 10 नेम्स। कि यार तुम इस में श्रुति सिंथेटिक्स तुम्हें कर दो कि ये तुम्हारी श्रुति सिंथेटिक्स कहां पे स्टैंड करती है, क्या नंबर वन है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है यार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तुम्हें इसको अपने लेवल पर बना लो पेपर में, तुम कहां स्टैंड कर रहे हो इसमें। मैंने तो मन का 10वें नंबर पे तो बताओ, फेलियर टी तो हमेशा रहेगी जब तक सक्सेस 10-10 नहीं होगी, जब तक आप सक्सेस नहीं होने वाले। ऑल 10 यूनिट्स आर सक्सेसफुल देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। अगर 9 हुई तो आप फेल हो, 1 हुई तो 9 फेल है, 2 हुई तो बाकी फेल है, जैसे 80% हुई तो भी तुम 20% लास्ट में लेफ्ट ओवर में रहने वाले हो, एंड यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। लाइक योर इंटरेस्ट कॉस्ट इज हाई, कॉस्ट ऑफ फंड्स इज वेरी हाई, यू आर पेइंग वेरी हाई बिकॉज इट्स ए ओल्ड मिल इन द लेबर चार्जेस, लेबर्स आर ऑलवेज ट्रबलिंग यू, देन यू हैव अ क्वालिटी इश्यूज बिकॉज लेबर इज नोटोरियस, हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव? बिलीव मी, 5 मिनट पहले मैं उनके साथ में गुस्से में गाली गलौज करने वाला था, 10वें मिनट मैंने उनको कहा कि मैं जा रहा हूं, बंद कर रहा हूं। 10 minutes ए मिल ऑफ लाइक 100 करोड़ हमने डिसीजन, विद इन 10-15 मिनट्स के ड्यूरेशन में हमारे डिस्कशन में हमने कहा हमारी कोर कॉम्पिटेंस नहीं है इसमें,
आप हमेशा ध्यान रखो कोर कॉम्पिटेंस, कोई भी काम करना चाह रहे हो जीवन में, कोई भी काम करोगे आप, तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट बनाओ। हु आर योर कॉम्पिटिटर्स? आप के सामने कहां स्टैंड करते हो? इन मैनेजमेंट, मैनेजर स्किल, कॉस्ट ऑफ फंड्स, कैपिटल, योर ओन कैपिटल, योर नॉलेज, वॉट एल्स, वॉट आर द थिंग्स यू आर डूइंग? इफ यू आर डूइंग ए रेस्टोरेंट किसी एरिया में, तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंस कैसी है? तुम उन 10 रेस्टोरेंट में तुम नंबर कहां स्टैंड करते हो? क्या तुम उसको सक्सेसफुली रन कर सकते हो, या 10 में से 10 में लास्ट में आ रहे हो कि 20% में आ रहे हो? इफ यू आर इन 20% ऑफ आपके सब पैरामीटर्स में आते हैं, देन यू गो अहेड, यू विल नेवर बी फेलियर, कभी फेलियर नहीं होंगे। ये बात को आप कोर कॉम्पिटेंस वर्क को मैं 25 साल बाद सीखा हूं, मैं आपको पहले दिन दे रहा हूं, मुझे 25 साल लगे इस चीज को। आप समझ रहे हैं? इट टुक मी 25 years आफ्टर माई स्टार्टिंग माई बिजनेस। कोर कॉम्पिटेंस पता क्या है? आप कहां स्टैंड करोगे बिजनेस में? एक हायरार्की तो आपको बनानी पड़ेगी। कभी मैं यहां जा रहा हूं, ये चीजें तो मेरे प्लस में और ये चीजें मेरे नेगेटिव है, मैं यहां मेरे पास फंड करके हैं, या अगर आपके घर में अभी बिजनेस चल रहा है उसमें भी कोर कॉम्पिटेंस निकालो। इस डीमोनेटाइजेशन के बाद में देर आर लॉट ऑफ चेंजेस, अमीर गरीब होने वाले और गरीब अमीर होने वाले भी। ये मैं आपको सही कह रहा हूं कि राइट टाइम है एंटरप्रेन्योर्स बनने का। ये राइट टाइम है, क्यों? क्योंकि अभी कॉस्ट ऑफ फंड्स विल बी वेरी लेस, ऑल द फंड्स, अनप्रोडक्टिव फंड्स हैज कम इनटू द स्ट्रीम लाइन, बैंकिंग चैनल में से पैसा आ गया। आपको अगर आप लोग जैसे निकलते तैयार होके तो आपको फंड इजीली अवेलेबल होगा विद एट द रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट यू विल गेट द फंड्स, और चीजें वापस पूरी चेंज हो गई है, सीनरी पूरा चेंज हो गया। We are also getting impacted of. Like हमने इसे बुराई की, we are happy with it and we started to look into it कि हमारा core competence में कहीं कमी नहीं आ जाए। हम कहीं आराम से पैसा ज्यादा मिल रहा था तो कहीं गलतियां करती उनको ठीक करें। ये सुबह उठ के आने का कारण भी ये था आप लोगों को समझाने के लिए कि यार मेरे यहाँ से जो निकले स्टूडेंट्स अच्छा काम करके निकले हैं, तो ये कोर कॉम्पिटेंस पे ही आया हूँ मैं यहाँ। मेरा कोर कॉम्पिटेंस क्या है कि आप लोग अच्छे बन के निकले यहाँ से, आप लोग अपना करियर अच्छा करके निकले। अगर आप लोगों ने अपना करियर अच्छा किया तो मेरी कोर कॉम्पिटेंस हो गई नहीं हुई? हुई। तो इसके लिए मैं इवन मतलब आपको आई वॉज वेटिंग फॉर 2 o'clock थ्रोट नॉट वर्किंग, स्टिल आई एम हियर फॉर माई कोर कॉम्पिटेंस एंड आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छा काम करें, whether they are in the job or they are doing their own work, और ये टाइम है, ये believe me dear friends, ये ही टाइम है कि आप सब लोग, क्योंकि एक कंट्री वापस रीशेप लेने वाली है, मोदी जी ने इसको पूरा घुमा दिया है, वो छलनी में लेके सबको हिला दिया, कौन कहां बैठा किसी को पता ही नहीं है। हम तो आराम से बड़ी कुर्सी पकड़ के बैठे थे लेकिन हमें नहीं लग रहा था कि वापस जगह छोटी छोटी कुर्सी पे नहीं आ जाए, तो वो पोजीशन आ चुकी है ज्यादातर लोगों की आ चुकी है। हम लोग अभी सब डिस्कस भी यही कर रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन ने हमें मतलब सब लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा। अब मैं बोल पा रहा हूं उसमें भी मुझे नहीं लग रहा दिमाग काम कर ही नहीं रहा इस सब चीजों में। डोंट कंप्लेन, अपॉर्चुनिटी को ग्रेप करो, अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है दोस्तों, और अपॉर्चुनिटी को देखो। आप लोगों को मैंने बहुत बोल दिया, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो मेरे लिए तो पूछ लो भी। एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क सम क्वेश्चन? क्यों, मैंने सब चीजें कवर कर ली, मैं इस पर लिख के लाया था। सर आपके कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट कौन सी है? कौन से फील्ड में? बिजनेस बिजनेस में तो आई एम इन वेराइट फेस, ग्रेनाइट, मार्बल, आई एम इन द आयरन और माइनिंग,
marble mining, and I have put up a steel plant. I am putting up another steel plant in Rajasthan. I am in the education. I am putting up another medical college in Jaipur. And I have seen, मेरा इसमें four competence में अगर आप medical college hospital हैं, तो यहाँ के छह college और India level का competition है. लेकिन we keep in our mind that where we have to be in top 10% in the education. So we are on the 10% in the education. And we keep ourselves. Wherever we strip out of it, we try back to that area and we want to excel in that area. Like in steel plant, we started, everybody is failing. Lot of industries have failed. लोग कह रहे थे टैक लोन भी नहीं दे रहे थे बैंक वाले कह रहे थे अभी तुम स्टील प्लांट क्यों डाल रहे हो अभी सब फेल हो रहा है हमने कहा हमारे कोर कॉम्पिटेंस क्या है वी हैव आवर ओन माइंड्स वी हैव स्किल टू रन इट वी हैव फंड्स विद अस आवर ओन फंड्स विद कॉस्ट ऑफ फंड्स इज वेरी लेस स्किल मैनेजर स्किल कपिल इज लुकिंग आफ्टर इज वंडरफुली लुकिंग आफ्टर एंड वी आर विद इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ही हैज पुट अप द प्लांट successfully running, earning, we have started to earn into it. So, इसमें आपको core competence, कोई भी काम करना चालू करो इस वर्ड को जो मैंने 25 साल में सीखा आपको पहले दिन से ध्यान में रख लो आप कभी फेल होंगे ही नहीं इस चीज को आपके दिमाग में और बैठा लो एनीथिंग एल्स और कुछ कुछ पॉइंट है आप बताओ कितने जने एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं यार पर हाथ खड़ा करो ठीक है आप बता रहे thank you very much. Thank you very much, sir. Thank